हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब जने? आई होप आप सब जने अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी जा रही हूँ मैं फटाफट से शॉप पर, क्योंकि शॉप पे क्लाइंट्स आ चुके हैं तो मुझे थोड़ा काम है। तो चलो थोड़ा काम करके आ जाते हैं, फिर घर पे आके खाना बनाएंगे। गाइस, अभी इतने क्लाइंट्स हैं ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और टाइम मेरे हो गया है 11:46 हो गई है। तो घर पर वापस जाती हूँ, खाने की वगैरह तैयारी करती हूँ, क्योंकि मम्मी पूजा कर रहे होंगे और भूख भी लग गई है मुझे। हाय किचन, अब खाना बनाएंगे। तो मैं आज खाने में बना रही हूँ वड़ी की सब्जी। वड़ी की सब्जी मुझे नहीं आती बनाने, मम्मी बनाएंगे। पर मेरे बड़ी मम्मी ने वड़ी बना के भेजी है, चवले की बढ़िया बना के भेजी है। खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये। अब इसको थोड़ा रोस्ट कर देते हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। लंच हो चुका है, अब जा रही हूँ मैं शॉप पे और भाभी भी आ गई है हमारी हेल्प करने के लिए। तो अभी हम दोनों चलते चलते ही जा रहे हैं शॉप पे। सॉक्स वगैरह पहन लेती हूँ क्योंकि ठंड लग रही है, शॉल तो ओढ़ के रखती हूँ। हालांकि मैं आज हम सब जने मिल के वैक्सिंग सिखा रही हूँ। अभी तो हमारी जो मॉडल है वो जिया है। हाँ, तो जिया बिल्कुल दिल पे पत्थर रख के अभी वैक्सिंग करवाने वाली है, क्योंकि बहुत बुरा लग रहा है। मैं कहता हूँ मुझे लग रहा है, पता नहीं क्या करने वाले हैं मेरे साथ। करते हैं जिया की वैक्सिंग, बैठ जाओ भाई। बिल्कुल, पर जूते क्यों निकले? प्लीज मेरा रिएक्शन रिकॉर्ड मत करना। क्यों नहीं करे? हर चीज रिकॉर्ड होगी। ज्यादा गर्म मत करना एक्चुअली। कैसा लगा आपको वैक्स करवा के? बहुत दर्दनाक और अच्छा भी। अच्छा भी। हाथ सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं, फील हो रहे हैं। और आपको हमारी सर्विस कैसी लगी? सर्विस तो पूछो मत, ये लोग बहुत ज्यादा ही ध्यान रखते हैं। आसपास मच्छर भी नहीं आने देते, हाथों से मार के मच्छरों को भगाया जाता है। तो सर्विस की तो कोई बात ही नहीं, 100 में से 100। तो अभी होने वाला है मेरा हेयर वॉश, और हेयर वॉश भी साथ साथ में हेयर वॉश की भी प्रैक्टिस होगी। तो चलो, मेरे बालों में केराटिन कर रखा है तो केराटिन वाला शैम्पू और मास्क यूज होगा। टॉवेल सबसे पहले रख देना है, समझ गए सब जने? शियाजी मेकअप कर रहे हैं अंदर। अभी गीजर चालू हुआ है क्योंकि ठंड से तो हाल बेहाल हो जाएंगे, इसलिए हमारा शैम्पू, ये मास्क है, वो कंडीशनर। ब्लू लाइट लग रही है, लाल आएगी तब गर्म होएगा। और जी ललिता भाई यहाँ पे पहुँचे, लिए लिक्विड डाल रहे। ललिता भाई तुम फेशियल करिए लो, तुम फेशियल करिए। हम बताएंगे कि केराटिन में कैसे बालों का रख रखाव भी किया जाता है। बालों में अगर आपने केराटिन करवा रखा है तो आपको शैम्पू कंडीशनर सेम ब्रांड का, जिसका आपने केराटिन करा रखा है उसी का यूज़ करना चाहिए। और अच्छे से मास्क भी अप्लाई करना चाहिए और शैम्पू भी करना चाहिए। और वीक में 2 times आपको आपके बाल वॉश भी करने चाहिए, तो ही आपके बाल अच्छे लॉन्ग टाइम तक अच्छे से मेंटेन रहेंगे। क्योंकि केराटिन एक बहुत एक्सपेंसिव भी ट्रीटमेंट है और साथ ही साथ हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, तो उसका हमें केयर भी अच्छे से करना होता है। तो शैम्पू मैं आज ये कैडीव्यू केराटिन का यूज़ करने वाली हूँ। कैडीव्यू ब्रांड का है इसका, केराटिन मैंने करवा रखा है, तो मैं इसी का शैम्पू यूज़ करूँगी, इसी का मास्क यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले देखो, आप बालों में थोड़ा थोड़ा ऑयल आ गया है, सो उसी ऑयल को हटाना है। क्योंकि 2 दिन जब मेरे हो जाते हैं बालों को, 2 से 3 दिन हो जाता है, 4th दिन हो गया है, तो बालों में ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनली आज वॉश होंगे हेयर। गर्म पानी इधर, अब ऊँचा करो इसको, पानी का टेम्परेचर चेक करा जा रहा है, मध्य ठंड को मध्य नजर रखते हुए। पता नहीं आप हंस के रहे, मेरे को उसकी बातें याद आ रही है। कि हेयर वॉश करते करते जो ऑनर है उनकी और वो कह रहे ये हवा की जोकी की तरह जाकर फिर से आ भी गए। बाल ऊंचे करो,
तो मेरे बाल हैं जो कि अच्छे से धुल चुके हैं और थोड़े मैंने सेमी ड्राई कर दिए हैं, और अब हम जा रहे हैं भाभी को छोड़ने के लिए क्योंकि भाभी बस में आए थे। भाभी उनको बस में बैठा देते हैं क्योंकि एकदम नए नए हैं ना, इसलिए चलो मैं भी कभी गई नहीं हूँ, अब उनको भी ट्रेनिंग देने जा रही हूँ। पर एक बार बस अच्छी मिल जाए, जान पहचान का मिल जाए तो बोल दिए। बस तो मिली नहीं है, बस तो मिली नहीं है, बस ही नहीं मिली, बस चली गई कल्याणपुर जा रहे हैं। आज जा हम कहीं चिको, हम पानी पूरी खाने जा रहे हैं, हम पानी पूरी खाने जा रहे हैं, तो चलो पानी पूरी खा के आ जाते हैं। इतनी टेस्ट लगी आज वापिस आए। जस्ट हुई हूँ मैं फ्री, आप देख सकते हो सलोन की हालत, सब जने चले गए आज, किसी की हेल्प भी ज़्यादा मिली नहीं। हालांकि भाभी थे, पर भाभी तो फिर हम बस में बिठाने गए तो बस मिली नहीं, फिर बाद में देख के पता चला जीप जो थी वो जा रही थी, तो वो जिया चली गई थी बैठाने के लिए और मैं कस्टमर में बिजी थी इसलिए मैं जा नहीं पाई। वो होपफुली अच्छे से पहुँच गए, उनका फ़ोन भी आ गया है, चिकू को मैंने फ़ोन कर दिया अभी लेने आ रहे हैं, चलो घर पर जाते हैं, थक गई बहुत। लो कैप पालक पहनो, नहीं पनीर लेके आओ, जैकेट जैकेट पहन लो, ठंड लगेगी अभी, बाहर ना करोगे मेरे को पता था इसलिए मैं जैकेट भी दे दिया। वाडीलाल वाले ले लो डायरेक्ट, तो हाँ। घर पे आने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना आज खाने में पालक पनीर बनाया जाए। चिकू को तो भेज दिया अपन ने पालक पनीर लाने के लिए, पालक यहाँ पर है तो पालक को अच्छा 4 से 5 बार अच्छे से वॉश करेंगे क्योंकि पालक और मेथी इन सब में बहुत ज़्यादा मिट्टी भी आती है और छोटे छोटे कीड़े भी आते हैं ना। मम्मी यहाँ पे बैठ के सब्जियाँ साफ कर रहे हैं, साथ में मामी से बात कर रहे हैं। मन ये जू जू ऐसा काम हो गया, थोड़ी सी पालक बॉईल हो जाए फिर पालक की सब्जी बना लेते। अब आ जाती है लहसुन और अदरक की बारी, तो दोनों को अच्छे से हम छील देते हैं और फिर अच्छे से मिक्स करके कूट देते हैं उसको। खाना लहसुन और अदरक अच्छे से मैंने यहाँ पे कूट लिया, खल में कूटते हैं ना उसका टेस्ट ही बहुत जोरदार आता है। तो बस टमाटर चॉप कर देते हैं अच्छे से और फिर हम फ्राई करने की तैयारी करते हैं। हेलो, तो यहाँ पर मैंने तेल और घी दोनों मिक्स कर दिया है। मैंने तेल और घी इसलिए मिक्स किया है, घी अगर डायरेक्ट डालती तो घी जल जाता फ्राई वगैरह करने में, इसलिए तो डायरेक्ट मैंने थोड़ा तेल डाल के फिर घी डाला है, बहुत कम तेल डाला है ताकि घी ना जल पाए। अब आ जाती है फ्राई करने की बारी, तो खड़े मसाले में तो पहले हम ये तेज पत्ता डाल देंगे अंदर, फिर ये एक सिनेमन डाल देंगे, 2 काली मिर्ची, लौंग तो नहीं डालते, मुँह में आता है टेस्ट अच्छा नहीं आता।
सो ये रहा हमारा आज का खाना, पालक की पनीर, पालक और पनीर और ये रोटी। तो मस्त अब इस खाने को एंजॉय करते हैं। चिकू ने खा लिया। चिकू कैसा लगा खाना आपको? मस्त, अच्छा था। अच्छा था, चलो मैं यहीं पर व्लॉग का भी एंड कर देती हूँ। आज का व्लॉग आपको देखने के बाद आई होप अच्छा लग गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में।